11 जुलाई को जो है बारामूला पुलिस स्टेशन को एक मोतबज़रा से इत्तला मौसूल हुई कि उशकुरा के इलाके में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग मॉड्यूल जो है वो चल रहा है। इस इत्तला के मिलते ही जो है पुलिस स्टेशन बारामूला की टीम और इलाके के मजिस्ट्रेट ने जो है जॉइंटली इस इलाके में रेड की और सर्चेस के दौरान एक शकील अहमद भट्ट जो कि उशकुरा का रहने वाला है उसके घर में जो है दबिश की गई और ड्यूरिंग सर्चेस वहां से 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया और शकील अहमद भट्ट को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। शकील अहमद भट्ट की पूछताछ के दौरान हमें ये पता चला कि शकील अहमद भट्ट दरअसल मुनाफे के लिए कुछ नाबालिग लड़कियों को यूटी के बाहर से लाकर यहाँ पर फरोख्त कर रहा था। उसके डिस्क्लोजर पे हमें आगे की लीड्स मिली जिसमें हमने माजिद अहमद महराज अहमद तांत्रे जो कि कानलीबाग का रहने वाला है उसके घर पर भी हमने रेड की और वहाँ से भी जो है एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया और महराज अहमद तांत्रे को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस केस में जो है 2 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है और 4 नाबालिग लड़कियाँ जो कि बर्मा की रहने वाली है उनको अब तक रेस्क्यू किया गया है और नारी निकेतन में उनको रखा गया है। आगे की तफ्तीश रवा है और भी गिरफ्तारियाँ होने की इसमें हमें उम्मीद है।